गलत है। हमारे राजपूत के प्रधान प्रेसिडेंट तक को इन्होंने अंदर बिठाया, इन्हें पता था कि अगर ये कठुआ में बिठाएंगे तो रूपा राजपूत सभा वहाँ पे पहुंच जाएगी, इन्होंने उनको उठा के वहाँ सांबा पे उठा दिया। अब ये प्रदर्शन जो ये चलेगा, ये बंद नहीं होगा। अब पहले हमारे राजपूत राजाएं आ गए थे, अब यहाँ की क्षत्रानियां भी आगे आएंगी। यह हर वक्त हमें की पहले इन्होंने लड़के बिठाए हुए थे, रात को इन्होंने लड़कियां बिठा दी कि अगर ये लड़कियां वहाँ पे बैठेंगी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम क्या बोल देंगे कि भाई इन्होंने लड़कियों को छेड़ा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि युवा राजपूत सभा के मेंबर वहाँ पे शराबे पी रहे हैं, वहाँ पे स्मोक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप एक भी क्लिप बता दो जहाँ पे वो स्मोक कर रहे हैं। अगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे तो किस चीज के लिए? अब जब हम आगे आ रहे हैं, अभी हमको डिवाइड करते हैं कास्ट में, भाई राजपूत आ गए, राजपूत आगे नहीं आया। जब कोई और कम्युनिटी बोलेगी नहीं, तो जो कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में वही दबा रहे हैं, हमारे कल्चर को दबा रहे हैं, हर एक चीज में ये बोलेंगे हाँ भाई राजपूत आ गया। अरे यार अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम आगे आओ ना, या किसी चीज में आगे आएंगे नहीं। राणा साहब राजपूतों का एक खास असूल है, बड़ी संगत दी रख दे छेका, असी संगत दी लोड मिटावन लई बंदे कसम खुदा दी वेखा, ते ताईं चर्चे ने साडी लज पाली दे और टिड्डों संगत दी रख दे छेका, ਉਂਝ ਪੈ ਭਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿੰਝੋ ਯੇ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਏਕਾਂ। ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੁਛ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਮੇ ਆਪਕੋ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਯੇ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਤਰਫ। ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਬੋਲਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਟੈਕ ਮੇ ਮਤ ਜਾਏ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚੋਂ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਯਹੀ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜੰਮੂ ਕੇ, आप सांबा के शेर हो, ये बाहर आओ, इनको ऐसा जवाब दो, करा जवाब को इस बीजेपी को, ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। गुस्सा आ चुका है, काफी गुस्से में यूथ नजर आ रहे हैं। जम्मू में लगातार माहौल जो है वो खराब हो रहा है, युवा इस समय भड़का हुआ है और हर गली मोहल्ले में इसी तरह प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय जो तादाद आप युवाओं की यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी तरह जानीपुरी नहीं बल्कि और ये जो क्रेडिट की गेम है, पिछले साल भी छुट्टी के टाइम खेली गई थी, सबको पता है कि जम्मू का नौजवान, जम्मू का युवा, युवा राजपूत सभा के साथ जुड़कर सड़कों पर आया और छुट्टी ली, मगर लास्ट में बीजेपी जो रूलिंग पार्टी, उन्होंने क्रेडिट ले लिया, उन्होंने कहा कि हमने छुट्टी दिलाई। वही सब इस बार भी होना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे कि लोग जो है एक दो प्रोटेस्ट करें और फिर अपने घरों में बैठ जाएं, बाद में एलजी साहब चिट्ठियां लिखकर ये बोलें कि मैंने वहां से टोल हटाया। मगर जम्मू की जनता आज इतनी समझदार है, उनको इस चीज का इल्म है कि अगर ये टोल हटता है तो युवा राजपूत सभा और बात पछता तो रहे ही होंगे कि जो उन्होंने चिंगारी लगाई सभा के लोगों को अंदर करके, आज वो आग बन चुकी है। आज परेड कॉलेज या बाकी अन्य कॉलेज, अन्य संस्था, सभी लोग अगर प्रदर्शन कर, एलजी साहब को मैं कह देना चाहता हूँ, हम डोगरे हैं, डोगरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वो लुटेरे जो लूट रहे हैं वो बंद होना चाहिए, हमारे भाई बाहर आने चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो जम्मू के घर घर चौकट चौकट पे प्रदर्शन होंगे। अब तो हमारी माएं बहनें वो भी बाहर निकल रही हैं। तमाम युवा आपके समर्थन में, जम्मू बंद होगा, सांबा बंद हुआ, कठुआ बंद होगा, आने वाले दिनों में सब बंद होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, इसलिए ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं और हमारे भाइयों को, हमारे शेरों को जिनको जेल में रखा है उनको वहाँ पे प्रताड़ित कर रहे हैं, ताकि वो वहाँ पे डर जाए, हम यहाँ पे डर जाए, लेकिन डरने वाले ना वो है ना हम डरने वाले हैं, हम गोली खा सकते हैं, लेकिन जिस कहते हैं ना हमारे पास है क्या, अब बचा क्या है हमारे पास? क्षत्रियों की सबसे बड़ी चीज होती है जुबान, जुबान दे दी, जुबान नहीं जा सकती, जान साथ जा सकती है, अब जान जा सकती है, जुबान नहीं जा सकती, टोल वहां से उखड़ेगा उखड़ेगा और